हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सदा कायम रहने वाला और बुलंद अल्लाह का नाम जिसकी रहमत से बनेगा वजीर आजम इमरान खान। पीटीआई के लिए जरूरी ने मुझे डिस्क्वालीफाई किया, इन्होंने मुझे इतना जलील किया कि मेरा अल्लाह मेरे साथ ना होता तो मैं शायद किसी मेंटल हॉस्पिटल में बीमार पड़ी होती। मैं चीखे मार मार के रोई हूँ 2 हफ्ते तक और मैं लेक्सोटिनिल की गोलियां खाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी और मुझे ख्वाब में भी और उस आलम में भी पीटीआई के तराने मुझे सुनाई दे रहे होते थे। मेरे रग रग में पीटीआई है, मैंने बनाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कल आपने इस प्रोग्राम का पार्ट 1 देखा था, इस खुसूसी प्रोग्राम का पार्ट 2 अब आपके सामने पेश खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं मादरे तहरीक इंसाफ फौजिया कसूरी साहिबा वाशिंगटन से, और इंकशाफात का सिलसिला जो कल शुरू हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने इसलिए क्योंकि आपने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, अब जब आप पार्टी के ऊपर इस तरह क्रिटिसाइज कर रही हैं, खासतौर पर इस मौके पर जब 2018 के इंतखाबात बिल्कुल सामने हैं, तो एक ही सिर्फ पॉइंट नजर आता है, लोग आपका कंपैरिजन आयशा गुलोलाई के साथ करना शुरू हो चुके हैं, लोग आपका कंपैरिजन इस वक्त जावेद हाशमी के साथ करना शुरू हो गए हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर जब पार्टी को दरअसल में इन लोगों की जरूरत होती है या उस वक्त होती थी, ऐसे ही मौके पर उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। 2018 के इंतखाबात अब सामने खड़े हैं, आपने पार्टी के ऊपर क्रिटिसाइज किया है, आप ये कह रही हैं कि जनाब पार्टी के अंदर इतना कुछ हो रहा है, लेकिन इससे पहले आपने ही, मैं आपका ही बयान आपको सुनाता हूं कि आप इस सारे खेल के बावजूद जो कुछ आप कहती जा रही हैं, इलेक्टेबल्स आना शुरू हो गए, लोग अरबपति आना शुरू हो गए, इसके बावजूद आप इमरान खान साहब को किस तरह सपोर्ट करती रही हैं, सुनिए फिर मैं सवाल करता हूं आपसे। इमरान खान कायदे आजम का वो सिपाही है जो बहादुर है, जिसने कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और जिसके दिल में पाकिस्तान धड़कता है। आप लोग इसके दिल में हैं। हम अपने मुल्क को बचाएंगे। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो एक लीडर है, एक लीडर, एक कौमी हीरो, एक इमरान खान, एक कौमी हीरो, एक इमरान खान, जिना का सिपाही। जब आप इतने सारी बातें कर रही हो तो मैं कौन सी फौजिया कसूरी की बात मानूं, वो जो ये तकरीरें कर रही थी या वो जो आज मेरे साथ शो में बैठी हैं? आप बताइए मैं कौन से इमरान खान का जिक्र कर रही हूं? मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में तो ये 2 मुख्तलिफ लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं। मैं बताती हूँ आपको मंसूर, मैं उस इमरान खान का जिक्र कर रही थी जो आपने क्लिप्स दिखाए, जिनके ऊपर हमने दिल और जान और ईमान से भरोसा किया, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, वो इंसाफ की बात करते थे, वो पार्टी को इदारा बनाने की बात करते थे और वो पाकिस्तान में तब्दीली की बात करते थे। हमें ये नहीं मालूम था कि वो इस तब्दीली की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपना खून और पसीना इस पार्टी को दिया, जो इंसाफ की बात करें आप उसको साइडलाइन कर दें। आई एम सॉरी मंसूर, हम बिके हुए लोग नहीं हैं, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। और खान साहब भी यही कहा करते थे कि जब मैं कोई गलती करूं तो मुझे बताओ, तो फिर हौसला होना चाहिए सुनने का। मेरे ऊपर अटैक करने से इनको वोट नहीं मिलेंगे, इनको वोट मिलेंगे इनके अमाल के ऊपर। मुझे इजाजत दीजिएगा, वोट जब मिलेंगे, जब इनको वोट जब मिलेंगे जी, जब ये ऐसे नुमाइंदे कौम को देंगे जो इनके नजरिए के साथ जिनका हुलिया मिलता हो, जिनकी शक्लें ऐसी हैं, जिनके अमाल ऐसे हैं, जो घूमते फिरते आए हैं दूसरी जमातों से इस्तेसाल करते हुए पब्लिक का,
उनको ये टिकट देंगे तो लोग उनको वोट नहीं डालेंगे। और आपने मुझे कंपेयर किया जावेद हाशमी और आयशा गुलालाय से, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, वो बहुत बड़े लीडर हैं भाई। मैं एक कारकुन थी, मेरे पास कोई ओहदा नहीं था। आयशा गुलालाय को मेरिट हटा के विदाउट मेरिट उनको अपॉइंट किया गया था। मैं तो सदर थी विमेन विंग की, मैं कभी जिंदगी में उनसे नहीं मिली थी। मुझे फौजी साहब, फौजी कसूरी साहब, आपने फरमाया कि आयशा गुलालाय को टिकट मेरिट के ऊपर नहीं दिया गया, वुमेन्स विंग की सदर आप थी, तो फिर किस तरह टिकट मिल गया उन्हें? मैंने ये नहीं कहा कि मेरिट पे नहीं दिया गया, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि मेरिट क्या था। अगर पार्टी ने मेरिट फॉलो किया है तो जो परवेज खटक के इतने रिश्तेदारों को एमएनए की रिजर्व सीट्स मिली, उसमें क्या मेरिट था? वो कौन खवातीन थी, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी पार्टी के लिए? वो तो जब पार्टी में आई हैं, जब उनके नाम शायद रिजर्व सीट्स पे आ गए थे। हमारे केपीके में बहुत खवातीन थी जो डिजर्विंग थी, लेकिन फौजिया साहबा, आप अगर वुमेन्स विंग की सदर थी तो जाहिर बात है ये डोमेन आपका बनता है, आपने फैसला करना था कि कौन सी खवातीन को टिकट्स मिलते हैं, यानी कि आपको भी सुपरसीड किया गया, आपके हाथ में भी कुछ नहीं था। एक सेकंड जी, मैं विमेन विंग की सदर नहीं थी जिस वक्त ये टिकट्स बांटे गए हैं, और शायद यही वजह थी कि एक कंस्पिरेसी मेरे खिलाफ जो हैच हुई थी कि मुझे पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन से दूर रखा जाए, वो इसीलिए था, क्योंकि अगर मेरी चॉइस होती तो मेरिट फॉलो किया जाता, मेरा कोई रोल नहीं था उसमें। एक खान साहब के बकौल एक फ्लॉड और रिक्ड पार्टी इलेक्शन के नतीजे में एक और खातून पार्टी की सदर बन चुकी थी, तो ये उनसे सवाल करना चाहिए, मुझसे नहीं। मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी मंसूर, अगर आप इंपॉर्टेंट ना होती तो आपको मदर ऑफ पीटीआई का लकब किस तरह मिलता? तो वो लीडरशिप ने तो नहीं दिया है। लेकिन लीडरशिप के हवाले से भी इमरान खान के ऊपर आपने बदयांती का कोई इल्जाम नहीं लगाया, आपने करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ गिला शिकवा आपको यह है कि आपकी बात नहीं सुनी गई इस सारे मामले के अंदर। ये मेरी बात नहीं है जी मंसूर, ये सारे पीटीआई की वर्कर्स की आवाज है। ये मैं वर्कर्स में मिलती थी, मैं लीडरों में नहीं बैठती थी, मैं बनी गाला नहीं जाया करती थी, मैं वर्कर्स में रहती थी। ये वर्कर्स की आवाज है जो मैं कह रही हूँ। लेकिन खान साहब की मुझे पता है कि खान साहब की कोई मजबूरी तो होगी ना, नाराज लीडरशिप होगी। फौजिया साहबा, खान साहब की कोई मजबूरी होगी, इलेक्टेबल जारी बात है, उन्होंने लेकर आने हैं जो लोग जिनके इर्गिर्द वो कंफर्टेबल, ये तो हर लीडर के साथ होता है। आज आप मुस्लिम लीग नून की तरफ देख लें, वहां पे नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब जो कि कई बरसों से एक साथ थे, लेकिन आज दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनको भी मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया जाता। अब नवाज शरीफ साहब मैं नजरियाती हो गया हूँ, चौधरी निसार साहब समझते हैं अदलिया के साथ और फौज के साथ अगर वो टक्कर ले रहे हैं तो गलत है, नजरिए बदल जाते हैं, आइडियाज बदलते हैं। एक जमाने में फौजिया कसूरी इमरान खान की स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी, आज नहीं रखती। बात सिर्फ इतनी सी है, इसमें गिला शिकवा किस बात का? गिला शिकवा जी उसूलों का है, इट्स नॉट अबाउट मी। अगर मेरी जातियात पे होता तो मैं 2013 में छोड़ देती और अलग हो जाती, मगर उम्मीद थी जब मैंने पार्टी एक महीने को छोड़ी थी और मुझे खान साहब ने अश्योर किया और बुलाया और कहा कि हम पार्टी के अंदर रिफॉर्म्स करेंगे, हम इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करेंगे जो आपने कहे हैं, मगर वो नहीं हुआ। अब मैं नहीं खामोश रह सकती, आई एम सॉरी, मुझे बोलना है अपने कॉन्शियंस के मुताबिक। मेरे कुछ नहीं चाहिए पीटीआई से या किसी से भी। मुझे ये बताइए कि मेरे प्रोग्राम के ऊपर इस वक्त जो पट्टी चल रही है उसमें लिखा हुआ है मादरे तहरीके इंसाफ, प्रोड्यूसर साहब से कह के इसको हटवा दूं? देखें जी, माँ माँ होती है और हर एक को ये ऑनर मिलता नहीं है। आप पट्टी चलाएं या ना चलाएं, आज भी पीटीआई के अंदर बहुत बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान में
और दुनिया के बहुत से हिस्सों में जो मुझे अपनी माँ समझते हैं, कोई मुझे बहन समझता है, मैं उन सब का एहतराम करती हूँ और नो मैटर वेयर आई एम मैं हमेशा उनकी माँ रहूंगी जो मुझे माँ समझते हैं। लेकिन जब उनका लीडर ही आपको कुछ नहीं समझ रहा, उनका लीडर अगर उन्होंने चूज करना हुआ बिटवीन फौजिया कसूरी एंड इमरान खान, तो ये तो मानने वाली बात है कि वो हमेशा इमरान खान के पीछे खड़े होंगे। तो बहुत खुशी की बात है जी, मैं भी यही चाहती हूं। मैं कोई इमरान खान को चैलेंज नहीं कर रही हूं, मैं उनकी जगह नहीं लेना चाहती हूं, मगर मैं हक के लिए हमेशा बोलूंगी मरते दम तक। मैं इंसाफ के लिए बोलूंगी और शायद मेरे बोलने से कुछ असर हो कि कुछ पार्टी में रिफॉर्म्स हो जाएं, कुछ वर्कर्स की इज्जत शुरू हो जाए, बट दैट्स ऑल, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम। फौजी साहब एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, प्लीज स्टे विद अस। सदा कायम रहने वाला और बुलंद अल्लाह का नाम जिसकी रहमत से बनेगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। बेटियां के लिए जरूरी ने मुझे डिस्क्वालीफाई किया, इन्होंने मुझे इतना जलील किया कि मेरा अल्लाह मेरे साथ ना होता तो मैं शायद किसी मेंटल हॉस्पिटल में बीमार पड़ी होती। मैं चीखे मार मार के रोई हूँ दो हफ्ते तक और मैं लेक्सोटिनल की गोलियां खाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी और मुझे ख्वाब में भी और उस आलम में भी पीटीआई के तराने मुझे सुनाई दे रहे होते थे। मेरे रग रग में पीटीआई है, मैंने बनाई है। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ फौजिया कसूरी साहब वाशिंगटन से मौजूद हैं, सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा फौजिया साहब, ये 2014 का जो धरना था, क्योंकि वहां से जरा थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिएगा, ये सही फैसला था पार्टी की जानिब से ताहिरुल कादरी साहब के साथ वो कदम पे कदम बढ़ा के आगे चलना, वो सही फैसला था आपकी नज़र में तहरीक इंसाफ का? देखें जी, तहरीक इंसाफ में ये बहुत डिबेट हुई थी हमारी कोर कमेटी में जिसका मैं भी हिस्सा थी, उसमें से ज्यादातर लोग जो थे वो इन एग्रीमेंट थे कि धरना होना चाहिए, मगर उस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ये धरना किस नौयत का होगा, क्या ये एक दिन की प्रोटेस्ट होगी, दो दिन की होगी या क्या होगा। मैं भी उस धरने में 22 दिन तक शरीक रही, उसके बाद मैं नहीं शरीक हो सकी क्योंकि शौकत खानम हॉस्पिटल की फंड रेजिंग के लिए प्रोग्राम सेट थे जो चेंज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनमें होटल्स का खर्चा होता है, आर्टिस्ट होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो आई हैड टू लीव फॉर दैट। बस उसके बाद जो भी कुछ हुआ, और देखें मैं आपको बताऊं मंसूर, हर इंसान की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मुझे इस हद तक पार्टी ने साइडलाइन किया कि 300 मेंबर्स की इन्होंने जो कोर कमेटी बनाई उसमें मेरा नाम नहीं था। ये मुझे क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मुझे कह रहे हैं चले जाओ, तो अगर ये मुझे नहीं चाहते कि मैं इनके साथ रहूं तो क्या ऑब्लिगेशन है, क्या जबरदस्ती है भाई। माशाल्लाह इनके पास अब बहुत बड़े बड़े लीडर्स मौजूद हैं, एक मुझ जैसी कारकुन ना हुई तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने अपने ईमान के मुताबिक चलना है और मैंने पाकिस्तान की खिदमत करनी है इंशाल्लाह। अच्छा फौजिया साहब, ये जो फोरम मिलेगा जी और मैं जहां सच्चाई और इंसाफ की बात कर सकूंगी मैं वहां जरूर बोलूंगी। फौजिया साहब, अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी शेप बन चुकी है, जिस किस्म के भी लीडर्स अब खान साहब के इर्द गिर्द हैं बनी गाला के अंदर, आपको लगता है 2018 के इंतखाबात जीतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ जी, पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए सेनेट में क्या हुआ है,
अगर हमें ये पहले पता होता कि वो दिन आएगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोट पीपल्स पार्टी का चेयरमैन यानी उनकी पसंद का चेयरमैन, उनका डेप्यूटी चेयरमैन एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसिलिटेट करेगी, अपने वोट उनको देगी, तो फिर हम जैसे लोग गलियों के धक्के क्यों खाते इतने साल तक? हम भी पीपल्स पार्टी में ही होते ना, हम तो एक तहरीक इंसाफ की कुछ मुख्तलिफ, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ इंसाफ पसंद सोच के इस तहरीक का हिस्सा बने रहे। अभी भी कुछ लॉस नहीं है, पार्टी लीडरशिप को चाहिए कि मेरिट को कंसिडर करें। प्लीज़ ऐसे लोगों को इंतखाब करें जिनके ऊपर वोटर्स का कॉन्फिडेंस हो। लेकिन फौजिया साहबा, ये जो पीपल्स पार्टी वाली बात आपने कही कि इत्तेहाद किया गया उनके साथ, उसका इमरान खान साहब का ये कहना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम तो दरअसल में बलूचिस्तान से चेयरमैन को लाना चाहते थे, ये एक अच्छा कदम था जिसकी वजह से हमने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया इसके अंदर। बहुत अच्छी बात है ये उनकी और मैं इस बात का एहतराम करती हूँ, मगर यही तमाम चीज़ें पार्टी के अंदर भी ऐसी होनी चाहिए थी कि बलूचिस्तान के ऊपर लीडरशिप को कुछ तवज्जो देनी चाहिए थी। कितनी कितनी दफ़ा जाके हमारी सीनियर लीडरशिप बलूचिस्तान गई है, क्या वहाँ के लोगों के क्या मसाइल के हल के लिए आपने फोरम्स किए, आपने कोई डिबेट्स की, आपने कोई ऐसी मजबूत पॉलिसीज बनाई? देखिए मंसूर, आई एम सॉरी, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम नॉट ड्रिवन बाई हेट, मैं किसी से नफरत नहीं करती हूँ, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, मैं फर्म हूँ, मैं बिलीव करती हूँ आइडियल्स में, मगर आई डोंट बिलीव कि हम नॉन स्टॉप एलिगेशंस और लोगों को गालियां दें। दिस इज नॉट राइट। नाज़रीन, फौजिया कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कई इंकशाफात वो कर चुकी हैं, बड़े बड़े और सवालात हैं, मुश्किल सवालात हैं जिसके जवाबात अभी हम ढूंढ रहे हैं, वो सवालात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सदा कायम रहने वाला और बुलंद अल्लाह का नाम जिसकी रहमत से बनेगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। पीटीआई के लिए जरूरी ने मुझे डिस्क्वालीफाई किया, इन्होंने मुझे इतना जलील किया कि मेरा अल्लाह मेरे साथ ना होता तो मैं शायद किसी मेंटल हॉस्पिटल में बीमार पड़ी होती। मैं चीखे मार मार के रोई हूँ दो हफ्ते तक और मैं लेक्सोटिन की गोलियां खाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी और मुझे ख्वाब में भी और उस आलम में भी पीटीआई के तराने मुझे सुनाई दे रहे होते थे, मेरे रग रग में पीटीआई है, मैंने बनाई है। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फौजिया कसूरी साहिबा अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं गालियों के हवाले से या नॉन स्टॉप क्रिटिसाइज करने के हवाले से, अब आयशा गुललई की जानिब से ये इल्जाम आ चुके हैं कि इस किस्म के कल्चर को तो प्रमोट किया जाता था, जो जिस तरह जाके जितनी बुरी जबान इस्तेमाल करेगा वो उतना ही ज्यादा बेहतर समझा जाता था, यही कल्चर पाया जाता है पीटीआई के अंदर। देखिए जी, मुझे नहीं मालूम कि आयशा गुलालाई क्या कह रही है या कोई और क्या कह रहे हैं, मैं उनको नहीं जानती और जो भी वो कुछ कह रही है वो पार्टी के उनके दरमियान है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बॉडी, ठीक है, बट माई सेल्फ। मैंने कोई ज्यादती की है, मैंने कोई गलत बात कही है तो पार्टी इज वेलकम। इनफैक्ट मैं चाहती हूं कि लीडरशिप मेरे जो मैंने आर्टिकल में पॉइंट्स रेस किए उनका जरूर जवाब दें और मुझे गलत साबित करें। लेकिन और अगर पाकिस्तान की इसमें भलाई है जी तो आई विश पीटीआई गुड लक।
नहीं, लेकिन कोर्स करेक्शन के इसके बाद आपने ये इस आर्टिकल के बाद आपके ख्याल में अगर आप में और बनी गाला में 50 किलोमीटर का फासला था, इस आर्टिकल और खास तौर पे अब इस प्रोग्राम के बाद ये फासला तो कम से कम 500 किलोमीटर का हो चुका होगा। मुझे नहीं मालूम जी, मैं सिर्फ ये जानती हूँ मुझसे मेरे बहुत से सपोर्टर्स ने, बच्चों ने कहा कि आप बनी गाला जाइए, आप खान साहब से मिलिए, खान साहब बहुत मोहतरम है, आई हैव नो इश्यू, और मैं बनी गाला चली भी जाती, मगर मैं इसलिए नहीं गई उनको मिलने कि मैं ये नहीं चाहती थी कि आइंदा मेरे बारे में ये कहा जाए कि ये टिकट लेने आई थी। मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, ना सेनेट का, ना इलेक्शन का, ना रिजर्व सीट, मुझे पीटीआई से कोई टिकट नहीं चाहिए, ये मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपको कह रही हूँ। नहीं, लेकिन ये तो अब कह रही हैं, मुझे नहीं चाहिए। सेनेट के इलेक्शन से पहले क्या आप उम्मीदवार थी सेनेट के टिकट के लिए? ये खान साहब ने मुझे लिख के दिया था और उन्होंने अपना प्रॉमिस ऑनर नहीं किया, विच इज ऑल राइट, इट डजंट मैटर। नहीं, लेकिन ये बात आपको कब कही गई थी? ये बात आपको कब कही गई? उन्होंने ये मुझे 2013 में, मेरे पास वो खत मौजूद है। तो इसके मुताबिक तो आप खान साहब के हवाले से, मैं आईनी तरीके से बात कर रहा हूं कि ये तो सादिक और अमीन का सीधा सीधा केस बनता है, अगर उन्होंने आपके साथ एक कमिटमेंट की और उस कमिटमेंट को पूरा ना किया तो। आपको जब मौका मिले आप खान साहब से पूछिएगा कि क्या उन्होंने ऐसा कोई खत लिखा था। आप वो खत हमें दिखा सकते हैं? नहीं जी, मैं इन चीजों के लिए नहीं खड़ी हुई हूं इस वक्त, मैं किसी को कुछ दिखाने नहीं आई हूं। ठीक है, मैं अपने वर्कर्स की इंसाफ की आवाज हूं। हां, अगर मुझे झुटलाया गया, अगर इन्होंने मुझे मलाइन करने की कोशिश की और मुझ पे झूठे इल्जाम किए, देन मंसूर आई हैव प्लेंटी दैट आई कैन से, बट आई डोंट वांट टू टेक दैट रूट। लेकिन मैं जातियात के ऊपर नहीं, मैं जातियात पे नहीं जाना चाहता। मैं भी जातियात पे नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि फिर आखिर हुआ ऐसा क्या? आपको जब इतनी बड़ी कमिटमेंट दे दी गई, लिख कर दे दिया गया, इसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिला और इन सेनेट के इलेक्शंस में भी आपको टिकट नहीं मिला। कहा यह जाता है कि दरअसल में आपकी दोहरी शहरियत थी जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं मिल सका। जी नहीं, मेरी दोहरी शहरियत आई गेव इट अप ऑन द 22 मार्च 2013, 22 मार्च 2013 में, अभी तो इलेक्शन भी नहीं था करीब। ये तो मैंने कुर्बानी दी थी अपने जज्बे से, क्योंकि मैं पीटीआई की जमहूरियत पे एतमाद करती थी और मैं अपने पार्टी के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती थी। सेनेट की टिकट्स और नेशनल असेंबली की सीटें तो बहुत बात का जिक्र है, तो आप जाने दें भाई, वो सब हिस्ट्री थी, इट डजंट मैटर। अच्छा, वैसे आम तौर पे व्हाट डज मैटर जी, बट व्हाट डज मैटर इसके पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सच बोलना चाहिए। ठीक, सच बोले, इंसाफ करें, जिन वर्कर्स ने कुर्बानियां दी हैं उनकी इज्जत करें। पाकिस्तान को तब्दीली की जरूरत है, मगर वो तब्दीली नहीं है जिसमें आप सारे रिजेक्टेड लोगों को, सारे कंट्रोवर्शियल लोगों को, सारे पैसे वाले लोगों को लाएं और आप उनको नवाजें। ठीक, तब्दीली है पाकिस्तान के नौजवानों से, दें 50% टिकट नौजवान और खवातीन को दें। मुझे नहीं चाहिए वो टिकट, मगर उन यूथ को दें और उनको सपोर्ट करें उनके कैंपेन्स में। जब मैं हिस्सा होती थी पीटीआई का एक्टिवली, जब मैं कोर कमेटी में हुआ करती थी मंसूर, मैं हमेशा कहती थी कि हमें अपने यूथ को फंड्स देने हैं, हमें उन्हें इलेक्शन लड़वाना है, उनके पास पैसा नहीं है। हमें यह थोड़ी पता था कि पीटीआई उन लोगों से खुश होती है जो दूसरी जमातों में करप्शन करके आए, फिर आप उनको चादरें उड़ाएं, फिर आप उनको वेलकम करें और आप उनको टिकट दें। हमें यह नहीं मालूम था उस वक्त। तो अभी भी अगर ये पार्टी ऑफ द यूथ है, तो मेरी खान साहब से एक सिंसियर इल्तिजा है,
खान साहब लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आप पे एतमाद करते हैं, प्लीज डू नॉट बिट्रे देम, प्लीज खान साहब मुझे आप भले कहीं निकाल दें पार्टी से, मगर उन वर्कर्स को अपना लीजिए जिन्होंने आपके लिए बे इंतहा कुर्बानियां दी हैं, और पाकिस्तान को एक सही रास्ते पे ले जाइए। फौजी साहब एक मिनट रुकिएगा क्योंकि आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, प्लीज स्टे विद अस। सदा कायम रहने वाला और बुलंद अल्लाह का नाम जिसकी रहमत से बनेगा वजीर आजम इमरान खान। पीटीआई के लिए जरूरी इन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई किया, इन्होंने मुझे इतना जलील किया कि मेरा अल्लाह मेरे साथ ना होता तो मैं शायद किसी मेंटल हॉस्पिटल में बीमार पड़ी होती। मैं चीखे मार मार के रोई हूँ दो हफ्ते तक, और मैं लिक्सोटिनिल की गोलियां खाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, और मुझे ख्वाब में भी और उस आलम में भी पीटीआई के तराने मुझे सुनाई दे रहे होते थे, मेरे रग रग में पीटीआई है, मैंने बनाई है। फौजिया साहबा ये बताइए अब आगे का पॉलिटिकल करियर किस तरह चलेगा, क्योंकि आम तौर पे जब नाराजगियां होती हैं तो दूसरी पार्टीज की तरफ देखा जाता है, फौजिया कसूरी साहबा को ये तो नहीं कि नून लीग की तरफ से कोई ऑफर है? ऑफर अभी तो नहीं है, मगर अगर हो तो आपको एतराज है? आपकी आपका राइट है, आपका पॉलिटिकल करियर है, लेकिन इस सारी बात के अंदर जाहिर बात है जो कुछ आप कह चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले तो यही बात कहेंगे कि आप डेफिनेटली जो कुछ भी कर रही हैं वो नून लीग के एजेंडे पे कर रही हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं जी, हर एक की अपनी सोच है, हर एक की अपनी जबान है, मुझे किसी से बहस में नहीं पड़ना है। लेकिन आपका राबता हुआ है क्या? मैं तो वही कहूंगी जो मैं कह रही हूं। आपका कोई राबता हुआ है नून लीग से? मेरे जी तमाम जमातों में दोस्त हैं, मैं तमाम लोगों के वर्कर्स की इज्जत करती हूँ, और आज तो वैसे भी मंसूर सब जमातें एक जैसी हैं, 19-20 का फर्क रह गया है, और अगर आप मेरी सही ओपिनियन सुनना चाहें तो मैं ये समझती हूँ कि अच्छे लोगों को सियासत में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, अगर डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो तो वो सियासत ना छोड़ें, हौसले और हिम्मत से जिस फोरम पे उनको जगह मिलती है उसमें अच्छे लोग ज़रूर जाएं। ठीक है, ठीक है। फिर इस तरह तमाम सियासी जमातों में अच्छे लोग होंगे। आखिरी सवाल एक दफा फिर से, क्योंकि आज के प्रोग्राम के बाद जाहिर बात है कुछ और एंकर्स भी और कुछ और चैनल्स भी आपसे राबता करेंगे, क्या कहा जाए, फौजिया कसूरी रहनुमा तहरीक इंसाफ, क्या आपने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है? मैंने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा है, मुझे ये नहीं मालूम वो मेरे साथ क्या करने वाले। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पॉलिटिकल करियर। बहुत शुक्रिया फौजिया कसूरी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और इंशाल्लाह थैंक यू, और इंशाल्लाह आपसे पाकिस्तान में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन फौजिया कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थी और तहलका खेज इंकशाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने किए। ये पहली दफा नहीं है कि इस किस्म के इल्जाम ने सरफेस किया है कि अरबपति अफराद का एक पूरा होल्ड है पार्टी के अंदर, और इमरान खान साहब जो पहले सोच रखते थे आज वो सोच काफी हद तक तब्दील हो चुकी है। बहरहाल उनके चाहने वाले, उनके वोटर, वो अफराद जिन्हें वो टाइगर्स कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, टाइगर्स के नाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब बार बार उन्हें पुकारते हैं, वो टाइगर्स खान साहब के साथ इस इंटरव्यू के बाद और इस किस्म के इंकशाफात के बाद रहते हैं या नहीं, ये तो वो फैसला करेंगे, और 2018 के इंतखाबात बता देंगे कि फौजिया कसूरी साहिबा की सारी बातें सच थी या इमरान खान साहब जो नया पाकिस्तान लेकर सामने आ रहे हैं आज भी उनके टाइगर्स उनके साथ हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।